हेलो दोस्तों, तो आज है हमारा पहला दिन जुम्बा का। जी हाँ, तो मैं तैयार हूँ, क्या आप तैयार हैं विपाशा के साथ 30 मिनट तक जुम्बा करने के लिए? मैंने अपना वजन रिकॉर्ड कर लिया है जो कि मैं आपको बताऊंगा जरूर। और अब हम शुरू करते हैं विपाशा का सेशन। आप ये भी देखोगे स्क्रीन पे, यहाँ एक कोने में छोटे से इसमें, ताकि आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो विपाशा पे, ठीक है? अभी हम शुरू करते हैं जुम्बा विद विपाशा। दोस्तों, इस 15-20 मिनट में ही मैं एकदम थक गया हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आई एम रियली फीलिंग वेरी टायर्ड। देखिए एसी में मेरे पसीने छूट रहे हैं। जी हाँ, ये मेरा फ्लैट एसी है, एसी चल रहा है, मेरे पसीने छूट रहे हैं। तो आज के लिए मैं यहीं भी रुक जाता हूँ। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहता हूँ मैं, काफ़ी थक गया हूँ मैं। कल फिर शुरू करेंगे, होपफुली कल मैं पूरा आधा घंटा स्पेंड कर पाऊंगा विपाशा के साथ। आई एम रियली सॉरी, आप जान सकते हैं मेरा स्टेमिना लेवल कितना लो है। स्टेप्स काफ़ी सिंपल थे लेकिन अच्छे थे, काफ़ी पसीने आ रहे हैं मुझे, या विपाशा को देख के नहीं बल्कि एक्सरसाइज करके। तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, और ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज का मैं अपना वजन का रिकॉर्ड वगैरह ऐड करके ये वीडियो में अपलोड करूँगा, और होपफुली कल हम पूरे 30 मिनट विपाशा के साथ जुम्बा कर सकेंगे। थैंक यू गाइस। तो दोस्तों, ये है वेइंग मशीन। ये मशीन पाउंड्स में वजन बताता है। मेरे पास केजी वाला वेइंग मशीन नहीं है, तो देखिए कितना वजन आता है मेरा। तो ये वजन आया है 181.2 पाउंड्स। अगर हम इसको कन्वर्ट करें केजीज में, यहाँ मैंने गूगल खोल के देखा है, तो ये आ रहा है अराउंड 82.1 केजीज। तो चलिए 82 केजीज पकड़ लेते हैं ये वज़न, और आगे इसी वज़न पे हम ट्रैक करेंगे।